नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ये वो शेयर है ना जो मैं लगातार इसमें वीडियो इसलिए बनाया आ रहा था कि मुझे पता है कि ये शेयर भागेगा। और दोस्तों, हर एक वीडियो के साथ ये शेयर धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जा रहा है। पिछली बार जब मैं वीडियो बनाया था 2840-45 के आसपास था, फिर आज फिर वहां से मैंने कहा था कि 2800 तोड़ करके ऊपर एक दिन सस्टेन करना चाहिए। और आज इसने दोस्तों, आज नहीं बल्कि दो दिन पीछे बात करूं तो इसमें लगातार तेजी जारी है। तो क्या है उस कारण, उस तेजी के दोस्तों दो से तीन कारण आए हैं। क्या कारण है मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लस एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत अच्छी एक ट्रेडिंग आइडिया आया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था उसमें बहुत अच्छा ट्रेडिंग आइडिया है हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं शेयर में उनके लिए भी वीडियो हो सकता है। तो हर एक चीज में दोस्तों बात करेंगे, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बात करेंगे। और आप अगर हीरो मोटोकॉर्प में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म, दोनों ही के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों सिर्फ आपसी दो चीज है, पहला वीडियो अंत तक देखिएगा और दूसरा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल की सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहे ना तो चैनल की ग्रोथ नहीं हो पा रही दोस्तों, इसीलिए ऐसे ही न्यूज पाने के लिए चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें। क्योंकि जैसा आप देख रहे होंगे केवल 8% ऐसे मित्र हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे गाइस, ठीक है। और करीब 92% लोग ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, 8% ऐसे जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और 92% ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए। आप वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद गाइस, बट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आप लाइक करते हैं वीडियो को तो ये यूट्यूब दूसरों को भी रेकमेंड करता है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें कि लगभग फ्लैटेस्ट आज ये कारोबार रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ एक कंसर्न मुझे दिख रहा है आज के चार्ट में, क्या है मैं आपके साथ आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बात कराता हूं। अब देखिए पिछले दो दिन की अगर बात करूं, 5 दिनों में इस शेयर ने दोस्तों एक अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है 3.11% का। और जो अपना कंसोलिडेशन फेज था आप देखिए, मैं आपसे बोला था 11 तारीख को 2855 के आसपास था, उसके बाद से देखिए जबरदस्त तेजी, ये तेजी उसके बाद आते जाते ये फिर गिरावट। यानी दोस्तों जो ये सेक्शन है ना इसका 2938, मतलब मैंने आपसे कहा है कि जो 2950 इसके बाद 2900 के बाद से 2950 ये अभी भी इसे रेजिस्टेंस कर रहा है दोस्तों, इसे अभी भी ये तोड़ बिल्कुल नहीं पा रहा है, ठीक है। और अभी इसे नेक्स्ट तेजी करनी है तो कम से कम 2950 को इसे तोड़ना पड़ेगा, और जो कि अभी दिख नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। पहले मैं बात करता हूं कि क्या है वो न्यूज जिसके कारण आज तेजी आ रही है लगातार। दोस्तों देखिए जो लेटेस्ट खबर है वो है ये, हीरो मोटोकॉर्प जॉइंस हैंड विद गिलेरा मोटर्स टू एक्सपैंड ऑपरेशंस इन अर्जेंटीना। दोस्तों जो हीरो मोटोकॉर्प है ना वो अपना हाथ मिला रहा है गिलेरा मोटर से, जो कि किसके लिए दोस्तों, अर्जेंटीना में अपने ऑप्शन बढ़ाने के लिए। दोस्तों खास करके ये हीरो मोटोकॉर्प की अच्छी चीज क्यों पता है आपको, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ना एक्सपोर्ट नहीं करता उतना दोस्तों। आप अगर हमारे यहाँ की तीनों जॉइंट कंपनी की बात करेंगे, भले वो बजाज हो टीवीएस हो, उनके पास एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, बट हीरो मोटोकॉर्प जो है ना दोस्तों, भले ही वर्ल्ड की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी है बट इसका डोमेस्टिक बिजनेस बहुत तगड़ा है, ठीक है। इसका डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है बट एक्सपोर्ट्स के मामले में बहुत कमजोर है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए स्पेसिफिकली हीरो मोटोकॉर्प के लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा अच्छी दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि जो साउथ अमेरिका है ना दोस्तों, वो अमेरिका इंडिया की तरह ही वहां पे लोग टू व्हीलर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए जो लैटिन अमेरिका का एरिया है हीरो मोटोकॉर्प यहाँ अपनी पहचान जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं इसमें थोड़ा और चर्चा करूं आपसे कि क्या है ये न्यूज, तो आप पाएंगे दैट हीरो मोटोकॉर्प सेड इट हैज टाइड अप विद गिलेरा मोटर्स अर्जेंटीना टू रीइन्वेस्ट एंड एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इन वन ऑफ द की मार्केट्स इन साउथ अमेरिका इन लाइन विद इट्स एग्रेसिव ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी। दोस्तों मैंने कहा है क्योंकि ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब दोस्तों ये वर्ल्ड मार्केट हो रहा है और हीरो मोटोकॉर्प को आने वाले समय में अगर एक्सपेंड करना है और जो अपनी कहते ना दोस्तों बादशाहत कायम रखनी है, तो उसे अब एक्सपोर्ट्स की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। और यही कारण है आप देख रहे होंगे कि हीरो मोटोकॉर्प लगातार पिछले कई समय से एक्सपोर्ट में अपना बिजनेस बढ़ाने की बहुत कुछ कर रहा है। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट गिलेरा मोटर विल बी द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द सेल एंड सर्विस ऑफ द मोटर हीरो मोटोकॉर्प साइकिल्स एंड स्कूटर्स इन अर्जेंटीना।
इट विल ऑल्सो मेक न्यू इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ, हीरो मोटोकॉर्प सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए क्या होगा, किस तरह से ये बैठता है बिजनेस, ये हमें आगे समझ में आएगा। बट हाँ, ये चीज तो है कि गिलेरा मोटर्स के लिए ये प्लस हीरो मोटोकॉर्प के लिए, दोनों ही कंपनीज के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज क्या है, आप देखिए कि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, ऑन मंडे लॉन्च द न्यू प्लेजर प्लस एक्सटेक। द कंपनी सेड इन अ फाइलिंग दैट प्लेजर एक्सटेक एड्स टू द एवर ग्रोइंग अपील ऑफ द आइकॉनिक प्लेजर ब्रांड। द न्यू एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, अ फर्स्ट एवर फीचर इन द 110cc सेगमेंट, एनहांस्ड एस्थेटिक्स एंड न्यू वाइब्रेंट पेंट इन जुबिलेंट येलो ब्रिंग अ फ्रेश अपील टू स्कूटर्स। दोस्तों प्लेजर तो आपको पता ही होगा, अगर आप स्कूटी चला रहे हैं बहुत समय से, तो प्लेजर एक समय में जितना अट्रैक्ट की है लोगों को, हीरो मोटोकॉर्प और हीरो मोटोकॉर्प के बिजनेस में एड ऑन हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा एक समय में होंडा जब आई थी दोस्तों अपनी एक्टिवा लेकर के, हीरो के सामने कोई ब्रांड था नहीं उस टाइम, बट जिस तरह से प्लेजर ने ड्राइव किया स्कूटी में भी अपनी, हीरो मोटोकॉर्प ने जो ब्रांड वैल्यू है उसे बनाई, उसका सबसे इसका बहुत बड़ा हाथ जाता है दोस्तों प्लेजर को। With enhanced technology features such as Hero's revolutionary i3s technology, idle stop-start system, digital analog speedometer with Bluetooth connectivity with call and SMS alert, side engine cutoff, metal front fender, the rider can master any driving situation with confidence. यानी कि दोस्तों देखिए, अब ये चीजें बहुत अच्छी ये हो रही हैं कि Hero MotoCorp है, उसने अब लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। आपने देखा उसने टाइप किया, आपने देखा कि उसने हीरो मोटोकॉर्प ने प्लेजर जो अपना स्कूटी रेंज है उसे इनहेंस करने के लिए लॉन्च किया। और हीरो मोटोकॉर्प ने दोस्तों अभी अभी एक ये देखिए थोड़े समय पहले प्रीमियम बाइक के रेंज पे भी हीरो मोटोकॉर्प लॉन्च द ऑल न्यू एक्सपल्स 200 वी वॉल्व। द न्यू एक्सपल्स 200 फोर वॉल्व इज एन एडिशन टू द एक्स रेंज ऑफ प्रीमियम पोर्टफोलियो ऑफ मोटोकॉर्प। यानी दोस्तों देखिए, हीरो मोटोकॉर्प अब आने वाला जो फेस्टिव सीजन है वहां हर एक जो सेगमेंट होता है दोस्तों, हर एक सेगमेंट में वो अपनी कोई ना कोई बाइक रखनी चाहती है नई। और यही कारण है कि हीरो मोटोकॉर्प में आने वाले समय में सब लोग बहुत ज्यादा दोस्तों पॉजिटिव हैं, और उन सब लोगों में मैं भी पास शामिल हूं। लेकिन दोस्तों फिर मैं डिस्क्लोजर के लिए बता दूं कि जो मैं आपसे हमने बात कर रहा हूं ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद भी दोस्तों थोड़ी रिसर्च करनी है या कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले वित्तीय सलाहकार सलाह लेनी है। यहां जो कुछ मैं बातें करता हूं दोस्तों, मैं जो खुद पढ़ता हूं या जो भी कुछ मैं आर्टिकल्स देखता हूं उसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूं दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा, कि जो ट्रेडिंग आइडिया बनाया गया है, देखिए रिकमेंडेशन बाय लास्ट क्लोज 2916 मतलब 2916 मतलब कल ही का है दोस्तों। इनिशिएशन रेंज 2900 से लेकर के 2910 रुपए के बीच आप यहां जो है दोस्तों बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2830 का, ठीक है दोस्तों। टारगेट कितना है 3050 के, 3050 के टारगेट है दोस्तों, स्टॉप लॉस है और इनिशिएशन रेंज 2900 से 2910 है। और क्या क्या गया है, वी आर सीइंग नोटिसेबल ट्रैक्शन इन द ऑटो स्पेस एंड हीरो मोटो इज ऑल्सो फाइनली रिज्यूमिंग द अपट्रेंड। इट हैज फॉर्मड अ स्ट्रॉन्ग बेस अराउंड द 2800 लेवल व्हाइल होल्डिंग अबव द सपोर्ट जोन ऑफ मीडियम टर्म मूविंग एवरेज 100 ईएमए। यानी 100 ईएमए का मूविंग एवरेज दोस्तों ये संभाला हुआ है, 2800 का एक तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों, प्लस बहुत समय के बाद ये अप ट्रेंड में आया हुआ है। और अप ट्रेंड में आया ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से पिछले 5 से 6 दिनों में लगातार ये अपवर्ड टेरिटरी में बढ़ रहा है ये तो समझ में आ रहा है कि ये भागेगा, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ये भी आपको दिख गया है ना। और आगे लिखा है ट्रेडर शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट फ्रेश लॉन्ग्स इन द फाइनेंशियल जोन, ठीक है दोस्तों। यानी एक फ्रेश ट्रेड के लिए भी आपको एक अच्छा खासा दोस्तों टारगेट यहां मिल रहा है। अब आप देखिए जो हीरो मोटोकॉर्प है दोस्तों, यही देखते हुए एमके जो ग्लोबल है उन्होंने भी जो उसके टारगेट है देखिए माई बाय हीरो मोटोकॉर्प टारगेट प्राइस ऑफ 3790। यानी दोस्तों करंट मार्केट प्राइस से आप बात करेंगे तो मुझे कम से कम 30% का अप मूव किए बातें कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये कोई गलत नहीं दोस्तों, अगर फेस्टिव, मैं बता रहा हूं आपको, अगर फेस्टिव सीजन अच्छा गया इनका और Q2 के नंबर कैसे आते हैं पहले ये देखने हमको, और अगर थोड़े नॉर्मल ही आते हैं दोस्तों, क्योंकि एक बात सबको समझ में आ रही है कि वीकनेस तो है डिमांड में, लेकिन Q2 थोड़ा ठीक आ जाए प्लस
दोस्तों जो फेस्टिव सीजन है उसमें अगर गाड़ियों की बिक्री के नंबर अच्छे आ गए, एक नई रीरेटिंग देखेंगे, एक जबरदस्त आप अप मूव देखेंगे, क्योंकि पिछले कई समय से हीरो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है दोस्तों, ठीक है। बट जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा है कि ये सब मेरी पर्सनल राय है, आपको कोई पोजिशन वित्तीय सलाहकार सर जरूरी नहीं दोस्तों। और हीरो मोटो को आपको आप देखें इधर, तो आप पाएंगे कि पहला तो 2900 नहीं टूटना, 2900 टूटेगा तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है दोस्तों, फिर 2875 के आसपास आप देखेंगे वीकनेस, उसके बाद दोस्तों 2830 और फिर 2800, ये दोस्तों लेवल बस नहीं टूटने चाहिए। अगर 2830 से 2800 के लेवल टूटते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि यहां गिरावट सीवियर हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए शेयर में बने रह सकते हैं, अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, और फेस्टिव सीजन अगर अच्छा जाता है तो एक नया रीरेटिंग इसमें हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप यहां तक बने हमारे साथ, वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।